किरदार बहुत अच्छा है और मुझे मेरी पुरानी टीम बरखा के साथ काम करके बहुत अच्छा लग रहा है और जो मेरा करेक्टर है ये बहुत ही हॉरर और बहुत ही प्यारा करेक्टर है। ये मूवी अभी ऑन फ्लोर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बहुत जल्दी, लेट्स सी, देखते हैं। हम लोग कुछ खास किरदार हैं इसमें, जैसे कि कुछ फ्रेंड हैं हम लोग, कुछ कैरेक्टर्स हैं, कुछ जाते हैं अपना हॉलीडे हॉलीडे करने, तो उसके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जो कि सारा चीज़ ये क्रॉस, जो फिल्म का नाम है क्रॉस, मिलने पर वो चीज़ मालूम होता है, बाकी चीज़ स्टोरी पर क्लियर हो जाएगी। सर आप बताइए क्या, कितने एक्साइटेड हो, कितना, कौन सा किरदार निभाने वाले हैं? मैं इस फिल्म में कुणाल का रोल प्ले कर रहा हूँ और मेरे चेहरे पे इतनी शराफत दिख रही होगी वो बहुत ज़्यादा दिखेगी फिल्म में आपको। और इस फिल्म एक, ये फिल्म एक हॉरर है, सस्पेंस थ्रिलर एंड मर्डर मिस्ट्री है। जो हादसाएं हम लोग के साथ होती है वो सारी रिलेट क्रॉस से करती है। मेरे डायरेक्टर साहब ने जो विज़न मुझे बताया सुन के मुझे बहुत मज़ा आया और मेरे राइटर साहब ने कहानी को इतनी अच्छे से गढ़ी है, दिल खुश हो गया। आप लोग के पास आएगा जब ये, आप लोग का बहुत मज़ा आएगा। आप तो ये क्या कहना चाहेंगे प्रोजेक्ट के बारे में, किस तरह की कहानी है? हॉरर तो है लेकिन क्या थीम, क्या है इसका, लव स्टोरी है, एंगल क्या एंगल है फैमिली का? मतलब हाँ आपसे पूछना सर, थोड़ा लाउडली बोलिए। ये फिल्म एक्चुअली है तो हॉरर लेकिन इसमें ड्रामा, ट्रेजडी, सस्पेंस, थ्रिल सबका इसमें समावेश है। लेकिन आज के दौर में कितना समझते कि हॉरर फिल्म को कितना लोग एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हॉरर फिल्म में कमी आती हैं और बड़े बड़े जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर ट्राई किए हैं लेकिन उतना ज़्यादा कमेंट नहीं पाए। मेरा एक तजुर्बा है सस्पेंस थ्रिलर हॉरर का 30-32 साल का, वो ये है कि ऐसी फिल्में ना बहुत अगर हिट ना हो, सुपर डुपर हिट ना हो, तो एक फिल्म का मार्केट है और वो हमेशा रहता है। तो शूटिंग शेड्यूल का हम कुछ बताइए कि कब शूटिंग शुरू होने वाली है, कब तक पर्दे पर आने वाली है? शूटिंग लोकेशन कहाँ की रहेगी? 10 तारीख से कर रहे हैं और कुछ तो हम मुंबई के आसपास कर रहे हैं और कुछ नैनीताल करने वाले हैं। सर आप जानते हो क्या करना है, कैसे जुड़े हैं? और बेसिकली बीइंग अ थिएटर आर्टिस्ट इस फिल्म में मैं जुड़ा हूँ। एक इंस्पेक्टर आने हैं, दिस स्टोरी एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड द गर्ल एंड दिस इंस्पेक्टर, एंड इंस्पेक्टर आने एक ग्रे कैरेक्टर होता है, उस हिसाब का मेरा कैरेक्टर। बहुत अच्छी कहानी है, अगर आप लोग सब थिएटर में देखेंगे तो। जसपाल जी आपको काफ़ी इंटरेस्ट लगता है हॉरर फिल्म बनाने का, क्या कहना चाहेंगे? पहले भी आपने हॉरर फिल्म ट्राई किया, अभी भी कर रहे हैं, क्या आकर्षित करता है हॉरर फिल्म बनाने के लिए आपको? क्या आकर्षित, अट्रैक्ट क्या करता है आपको इस तरह के प्रोजेक्ट बनाने? ऑडियंस पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं हम लोग, के ऑडियंस जो हमारी जो इंडियन ऑडियंस है 50% हॉरर फिल्मों को पसंद करती है, हॉलीवुड में तो उसका क्रेज ज़्यादा है, तो बस यही ऑडियंस को ध्यान में रखते हैं। लेकिन आज के समय में कितना एक्सेप्टेबल समझते हैं कि दर्शक करेंगे? सर अगर देखा जाए तो जो मास ऑडियंस है हमारी, ये हॉरर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मल्टीप्लेक्स ऑडियंस से ज़्यादा, बस उन्हीं को ध्यान में रखते हैं। हाय, माय नेम इज योगी राज और मेरी शक्ल देख के ही पता चल रहा होगा कि मैं इस पिक्चर में क्या कर रहा हूँ। इसका नाम है क्रॉस, इसके ऊपर जो मोमबत्ती लगी हुई है सारी की सारी, वो सब मैंने लगाई है, तो आगे पता चलेगा कि वो क्या कर रहा है। मतलब मैं अच्छा तो कुछ नहीं करूँगा, जो भी होगा वो बुरा ही होगा और हमेशा बुरा ही करता रहा और करता रहूँगा। अभी 20 तारीख को हमारी पिक्चर आ रही है और ये क्रॉस जो है वन ऑफ द बेस्ट, बहुत अच्छी हिट होने वाली है, बिकॉज आई लव द स्टोरी, सर ने बहुत अच्छी स्टोरी लिखी है, मेरे सुन के मैंने पहले दिन ही हाँ बोल दिया। तो डेट्स का लोचा होगा सर थोड़ा सा? हाँ जी, डेट्स का थोड़ा लोचा होगा, बट मैंने हाँ बोल दिया था। दर्शक बैठे रहे और फिल्म का आनंद लेना जी, इसके अलावा और क्या?
करनी है बताइए, और कुछ प्रोजेक्ट जो आप करने वाली हैं, करना चाहते हैं, और वेब सीरीज जो कॉन्सेप्ट है उसके लिए बताइए कि काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं तो वेब सीरीज को एक्सप्लोर करना चाहेंगे आगे चल के आप? या ऑफ कोर्स, वेब सीरीज क्यों नहीं करना चाहती हूँ, और मेरी अपकमिंग मूवीज है गुल मलाला एंड दबंग 3 और क्रॉस, और बहुत सारी साउथ की प्रोजेक्ट्स हैं जो मेरे रिलीज होने वाले हैं, और एक बहुत अच्छे बड़ा प्रोजेक्ट है अनिल कपूर जी के साथ में, तो वो भी मेन है, मेरा अच्छा करेक्टर है उसमें, वो भी स्टार्ट होने वाला है बहुत जल्द, तो बस अब सलमान के साथ पिक्चर कर ली तो दबंग 3 में क्या क्या कुछ बताना चाहेंगे, क्या कैसा अनुभव था या क्या किरदार निभाने वाले, सबसे बड़ी अचीवमेंट आपके लिए करी थी सबसे, तो क्या कहना चाहेंगे? या फर्स्ट सलमान जो है, जितना मैंने न्यूज़ में और बाहर और एक नॉर्मल लाइफ में सुना है उनके बारे में कि सलमान ऐसे हैं वैसे हैं, एक्चुअली में वो बहुत सीधे और बहुत अच्छे इंसान हैं और बहुत ही डिसेंट है, सिर्फ अपना काम और अपनी दुनिया में बिजी रहने वाला इंसान है और बहुत अच्छा है। और मेरा जो करेक्टर है दबंग 3 में वो है एक किडनैप गर्ल का करेक्टर है, जो बहुत ही अच्छा होता है कि जिसमें लाइक मैं किडनैप हो गई हूँ और सलमान मुझे बचाने आ रहा है, जो आई थिंक दबंग 1 का कुछ उन्होंने सीरीज का कुछ तो ऐसा किया था, सो बहुत अच्छा करेक्टर है, आप लोग देखेंगे मजा आएगा। और सर क्या कहेंगे कि आगे चल के किस तरह के प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं आप, मतलब मेरा जो टेस्ट है एक्चुअली वो सस्पेंस और एक्शन इसी तरह का है, और ऐसे ही करूँगा इसी तरह के प्रोजेक्ट। आप बताइए कि सिंह मल्टीमीडिया क्रिएशन का जो आपने स्थापना किया, क्या विजन है आगे चल के प्रोड्यूसर के तौर पे, क्या प्रोजेक्ट को बैकअप करेंगे और क्या दर्शकों को पेश करेंगे? आगे भी हम भी और अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स की बात चल रही है, एक्शन का भी बाकी देखते हैं जैसे आगे आगे क्या हो सब से करेंगे, ऑडियंस को ध्यान में रख के बनाएंगे।